ओम नमः शिवाय। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज के एपिसोड में मैं आपको हरितालिका तीज व्रत की विधि एवं महत्व को बताने जा रहा हूँ और हरितालिका तीज व्रत की कथा भी सुनाऊंगा। यह कथा स्वयं शिव जी ने पार्वती जी के पूछने पर सुनाई थी। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, क्योंकि हमारा चैनल व्रत, पूजा, विधि, अनुष्ठान, धार्मिक एवं पौराणिक कथाएं तथा वास्तु शास्त्र की सही जानकारी आपको देता है। हम आपको वही जानकारी देते हैं जो कि प्रामाणिक हो। यदि आप वास्तु शास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शंका का समाधान भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं हरितालिका तीज व्रत के बारे में। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज व्रत के नाम से जाना जाता है। अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां पूरा श्रृंगार करके भगवान शिव एवं पार्वती का विधिवत पूजन करती हैं और अंत में हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनती हैं। इस व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शंकर ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए सुनाई थी। हरितालिका तीज व्रत की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए इस कथा को ध्यान से सुने। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि मन और अंतरहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है, अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिलें। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, अब सुनो। भादो मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन को इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोलती हैं, प्रभु, इस व्रत को मैंने इसलिए किया था, वह सुनने की इच्छा है सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमांचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है। हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में इस स्थान पर तप किया था, 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया था, तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन करके ही तप किया था, माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था, श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग तप करती रही, तुम्हारे कष्ट को देख तुम्हारे पिता को चिंता हुई, वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूं। तब इस अवसर पर देव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद जी ने तुमको देखा तो तुम्हारे पिता हिमांचल ने देवर्षि को अध्य पद्म आसन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा, हे मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? आज मेरा अहो भाग्य है कि आपका शुभ आगमन यहाँ पर हुआ, कहिए क्या आज्ञा है? तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी लड़की को उत्तम वरदान प्राप्त करें, ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरे मत से अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दें।
हिमांचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं तो फिर इसी कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे गौरव की बात है, मैं अवश्य उनको ही दूंगा। हिमांचल की यह कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बर धारी विष्णु के पास जा पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु से कहा, हे प्रभो, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया। यहाँ हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुण ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगीं। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती बोली, हे सखी, सुन, जो मेरे मन की अभिलाषा है अब मैं वह सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं। मेरे इस कार्य को पिताजी बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूँगी। तब पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देव, जिस वन को पिताजी ने देखा न हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी, सखी का यह वचन सुनकर देवी पार्वती ऐसे वन को चली गईं। पिता हिमांचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को या तो कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुण ध्वज भगवान विष्णु के साथ वरण करूँगा। हाय, अब यह किस तरह से पूरा होगा, ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर होकर हिमांचल मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े आए और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमांचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण करके ले गया है, या सर्प डस गया है, अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। न जाने वह कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर इस तरह कांपने लगे जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात, हे पार्वती जी, तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। इस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्नदान का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भद्र मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा, मैं उस स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जो मेरे पति हो, मैं तथास्तु, ऐसा ही होगा, कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में ही हिमबाम भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुंचे। वह चारों ओर तुम्हें न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, तुम इस सिंह व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। पार्वती जी बोली, हे पिता, सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन को चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुमको लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिये, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा यह
अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया था। हे देव, अब मैं तुमको बताता हूँ, तो मन लगाकर सुनो। इस व्रत का नाम व्रत राज क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले, स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि को सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसमें केले के खंभों के मंडप बनाकर बंदर बारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों से रेशमी वस्त्र की चांदनी तान दें। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो शंख आदि बजाएं। विधि पूर्वक मंगलाचार गीत वाद्य करके गौरी और शंकर स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिव जी एवं पार्वती जी का गंध धूप दीप पुष्प आदि से विधि सहित पूजन करके अनेक प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल सुपारी जवारी नींबू लौंग अनार नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करें। मंत्रों का उच्चारण करें। शिवाय से लेकर उमायास तक के मंत्रों में प्रार्थना कर अथ प्रार्थना मंत्रार्थ है। कल्याण स्वरूप शिव है, मंगल रूप महेश्वरा। हे शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूपे तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्म फपड़ी जगत का पालन करने वाली माता जी, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया। हे पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करना चाहिए तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ वस्त्र तथा वस्त्र आभूषण ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से पति और पत्नी दोनों को एकाग्र चित्त होकर पूजन करें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक राज्य सुख और भाग्य को भोगती हैं। जो स्त्री इस तृतीया के दिन अनाहार करती है, व्रत को नहीं करती है, वह 7 जन्म तक वंध्या एवं विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है, वह धन और पुत्र के शोक से अधिक दुख को भोगती है तथा वह घोर नरक में रहकर कष्ट पाती है। इस दिन अन्नाहार करने वाली शूकरी, फल खाने वाली वानरी तथा जल पीने वाली टिटिहरी, शरबत पीने वाली जोंक, दूध पीने वाली सांपिनी, मांस खाने वाली व्याघ्रिणी, दही खाने वाली बिलारी, मिठाई खाने वाली चींटी, सब चीजें खाने वाली मुर्गी का जन्म पाती है। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए इस व्रत को करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारण करने के पश्चात चांदी सोना तांबे या कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती हैं। मृत्युकाल में पार्वती जैसे रूप को प्राप्त करती हैं। जीवन सांसारिक सुख को भोग कर परलोक में मुक्ति पाती हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने से जो फल प्राप्त होता है, वही मनुष्य का इस कथा के सुनने से मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब व्रतों में उत्तम व्रत को वर्णन किया है। इसके करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। कथा की समाप्ति के पश्चात भगवान शिव एवं पार्वती की आरती उतारें और अंत में
अपने पति का भी आशीर्वाद प्राप्त करें। यह थी हरितालिका तीज व्रत की संपूर्ण विधि एवं कथा। ऐसी ही धार्मिक एवं व्रत कथाओं को सुनने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। ओम नमः शिवाय।